टू गो स्ट्रेट मीन्स सीधा जाना, टर्न लेफ्ट मीन्स बाएं मुड़ना, टर्न राइट मीन्स दाएं मुड़ना. नेक्स्ट वन इज योर ट्रैफिक लाइट. ट्रैफिक लाइट यू अंडरस्टैंड, आपको पता ही है जो लाइट ट्रैफिक में यूज किए जाते हैं ना, वहां पे तीन तरह के लाइट होते हैं. नंबर वन रेड लाइट. रेड लाइट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग? स्टॉप, चलना नहीं है, राइट, रुक जाना है, किसी भी हाल में चलना नहीं है. ओके, सो स्टॉप, रेड लाइट मीन्स स्टॉप. तो रेड लाइट अगर हो गया इसका मतलब हुआ कि स्टॉप, रुक जाना है. ओके, एंड इफ इट इज येलो लाइट मीन्स गेट रेडी टू स्टार्ट. ओके, चलने के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी टू स्टार्ट. ओके, और ग्रीन लाइट का मतलब क्या हुआ, चलो गो, रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप. नेक्स्ट इज देयर क्रॉस रोड्स. व्हाट इज द नेक्स्ट? क्रॉस रोड्स. व्हाट इज द क्रॉस रोड्स? क्रॉस रोड्स क्या हुआ, जहां पे कोई रोड क्रॉस कर जाता है, जहां पे कोई रोड क्रॉस कर जाता है उसे क्या बोलोगे, क्रॉस रोड्स बोलोगे. लाइक एग्जांपल दिस, अगर एक रोड है और यहां से एक रोड ये क्रॉस कर गया तो ये क्या हो गया, क्रॉस रोड्स हो गए. अंडरस्टूड? ये क्रॉस रोड्स हो गए, मतलब रोड इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है. और जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, क्रॉस रोड्स ऐसे भी हो सकते हैं. ओके, क्रॉस रोड कैन बी इन दिस मैनर ऑल्सो. अंडरस्टूड? इट इज कॉल्ड क्रॉस रोड. जहां पे दो रोड आपस में जुड़ जाए या मिल जाए, दो रोड एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, इस तरह से अगर क्रॉस कर जाता है तो उसे क्या बोलोगे, क्रॉस रोड्स बोलोगे. लाइक अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, किसी को बोलना है कि उस क्रॉस रोड के पास रुक जाना, राइट, स्टॉप एट द क्रॉस रोड, स्टॉप एट द क्रॉस रोड, नॉट क्रॉस, क्रॉस नहीं होता वो, क्या होता है, क्रॉस रोड, क्रॉस रोड, राइट. नेक्स्ट वन इज देयर टी पॉइंट. व्हाट इज दैट? टी पॉइंट. व्हाट इज टी पॉइंट? टी पॉइंट होता क्या है, तो अगर एक रोड है, वन रोड इज देयर, एक रोड है, इट इज अ रोड, और यही रोड आगे जा करके ये इधर सीधा गया है, लेकिन यही रोड आगे जा करके यहां पे कट गया, और कट करके एक रोड, वही रोड इधर भी चला गया, तो व्हाट इज इट? टी पॉइंट. टी पॉइंट, जब रोड, एक ही रोड तीन डायरेक्शन में जिस जगह पे जाते हैं, जिस पॉइंट से एक ही रोड तीन डायरेक्शन में जाएगा, उसे टी पॉइंट बोलते हैं. व्हाट इज दैट कॉल्ड? टी पॉइंट. व्हाट इज दैट कॉल्ड? टी पॉइंट. बट द नेक्स्ट वर्ड इज देयर, कैटल ग्रीड. नेक्स्ट वर्ड इज देयर, कैटल ग्रीड, देन चेक पॉइंट. चेक पॉइंट, कैन यू ऑल रिपीट आफ्टर मी? कैटल ग्रीड, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट, रेल रोड क्रॉसिंग, रेल रोड क्रॉसिंग, राउंड अबाउट, रोड साइन, साइन पोस्ट, साइन पोस्ट. राउंड अबाउट विल बी इन द सेम वर्ड, इट विल बी इन द सेम वर्ड, नॉट डिफरेंट वर्ड्स. वेल, व्हाट इज कैटल ग्रीड? कैटल ग्रीड इज अ प्लेस ऑन द रोड, एक रोड का एक भाग होता है जिसपे जानवरों को नहीं जाने के लिए बैरियर लगा होता है, ताकि वहां जानवर नहीं पहुंच पाए. ओके, ओनली व्हीकल्स आर अलाउड, केवल गाड़ियां अलाउड होती हैं, और जानवरों को रोकने के लिए वहां पे एक बार लगा होता है, बैरियर लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैटल ग्रीड, राइट. वहां जाने के पहले ही जानवर फंस जाएंगे, उसके पहले ही रह जाएंगे, इधर ही रह जाएंगे, उसमें नहीं जा पाएंगे. अंडरस्टूड नाउ? चेक पॉइंट. चेक पॉइंट, यू नो चेक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, किसी रोड में कहीं भी हो सकता है, ये एक ऐसा पॉइंट जहां पे गाड़ियों की पेपर्स चेक होता है या गाड़ियां चेक होती है, राइट. हाँ, चेक पॉइंट उसे ही बोलते हैं, जहां पे गाड़ियां चेक होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होती है, राइट. रेल रोड क्रॉसिंग, रेल रोड क्रॉसिंग इज द रोड, जहां पे रोड का वह भाग हुआ जहां पे रेलवे ट्रैक, अगर ये आपका रेलवे ट्रैक है, इफ इट इज रेलवे ट्रैक, अगर ये रेलवे ट्रैक है और
कोई रोड इस पे क्रॉस कर जाए, ओके, रेलवे ट्रैक से अगर रोड क्रॉस कर जाए तो वो क्या कहलाएगा? रेल रोड क्रॉसिंग. व्हाट इज दैट? रेल रोड क्रॉसिंग. रेल रोड क्रॉसिंग, बिकॉज वहां रेलवे ट्रैक और रोड दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलोगे? रेल रोड क्रॉसिंग. अंडरस्टूड नाउ? द नेक्स्ट वन इज राउंड अबाउट. व्हाट इज दैट? राउंड अबाउट. राउंड अबाउट मीन्स गोल चक्कर. राउंड अबाउट होता है गोल चक्कर जैसा. इट इज गोल चक्कर. लाइक यहां झंडा तो आप है ना, इन दिस मैनर यहां पे बना होता है, ओके. अब किसी को यहां से वो जा रहा है और यहां घूम जा रहा है तो यू टर्न वो नहीं ले सकता, राइट? यू कांट टेक यू टर्न. उसको क्या करना होगा? यहां से ऐसे जाना होगा और ऐसे घूमना पड़ेगा. अंडरस्टूड? तो वो घूमेगा कहां से? फ्रॉम वेयर विल ही टेक यू टर्न? फ्रॉम दैट राउंड अबाउट, राइट? तो राउंड अबाउट मतलब वो गोल चक्कर हुआ जहां से आप अलग अलग दिशाओं में जा सकते हो. अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड गोल चक्कर. हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? गोल चक्कर बोलते हैं, ओके. बट इन इंग्लिश वी कॉल इट राउंड अबाउट. द नेक्स्ट वन इज रोड साइन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? रोड साइन. यू मस्ट हैव सीन, बहुत जगह आपने देखा होगा कि रोड में कुछ ऐसे दाग बने होते हैं, येलो कलर का, व्हाइट कलर का, है ना? कहीं कहीं ऐसे बने होते हैं इन दिस मैनर, राइट? और कहीं कहीं ऐसा बना होता है, लगातार ये बना ही होता है, ओके, कंटिन्यूअसली, कहीं टूटा हुआ नहीं होता है, और कहीं कहीं तुरंत टूटा होता है, राइट? यहां भी टूटा हुआ, वंस अगेन इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज हियर, ओके. तो इट हैज अ मीनिंग. एक रोड साइन है जो बताता है कि ऐसा अगर है दिया हुआ तो ओवरटेक नहीं करना है. डोंट डू ओवरटेकिंग, राइट? इट मीन्स ओवरटेकिंग करना मना है. इट मीन्स अगर जगह मिला तो ओवरटेकिंग कर सकते हो, जगह मिला तो, पास मिला तो ओवरटेकिंग कर सकते हो. दिस मीन्स हाँ, राइट, कर सकते हैं, आगे पीछे इतना करना है. अंडरस्टूड नाउ? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? रोड साइन. ये सारे क्या है? रोड साइन है. कहीं कहीं रोड पर ऐसे मिल जाएगा आपको साइन इस तरह से, राइट? ऐसे मिल जाएगा रोड साइन. इसका मतलब क्या हुआ कि आगे से ऐसे मुड़ना है, स्लो कर लो अपनी गाड़ी को, ओके. तो इट इज कॉल्ड व्हाट? रोड साइन. रोड साइन किसके लिए होता है? जो गाड़ियों में बैठे होते हैं ना, उसके पैसेंजर्स के लिए, राइट? नहीं होता उसके लिए. गाड़ियों में जो होते हैं ड्राइवर्स, उसके लिए है, राइडर्स के लिए है. रोड साइन से पैसेंजर्स को कोई मतलब नहीं है. रोड साइन से किसको मतलब है? ड्राइवर्स को मतलब है, राइडर्स को मतलब है, ओके. नेक्स्ट वन इज साइन पोस्ट. साइन पोस्ट जो होता है ना, वो एक तरह का पिलर में हो गया पोस्ट, या कुछ खंभा बना दिया गया. कहीं कहीं सीमेंटेड भी होता है ना, कहीं कहीं ऐसा भी होता है जगह नहीं मिला तो, हाँ, राइट, वो चित्र बना दिया किसी पत्थर पे, है ना? तो व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड साइन पोस्ट, ओके. कहीं स्कूल है तो वहां पे दिया होता है ना कि कृपया धीरे चले, एक बच्चा है स्लो, एक बच्चा है, एक पेरेंट का फोटो है, स्कूल नहीं जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि स्कूल है यहाँ पे, है ना, तो धीरे चलना है. लैंप पोस्ट. लैंप पोस्ट. व्हाट इज लैंप पोस्ट? आपको सड़कों पर मिल जाएगा बड़े बड़े खंबे, जिस बिजली के खंबे होते हैं, और उसमें दोनों तरफ लाइट लगे होते हैं, या एक तरफ लाइट लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लैंप पोस्ट. जो बिजली के खंभे होते हैं ना, लाइट लगे हुए, लाइट के, ऐसे नहीं कि तार गया हो वो वाला नहीं, लाइट्स के जो खंभे होते हैं, राइट, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? लैंप पोस्ट. ये हो सकता है कि दोनों तरफ उसका लाइट हो या एक तरफ भी लाइट हो, उसे लैंप पोस्ट ही बोलोगे, राइट? द नेक्स्ट वन इज देयर टोल प्लाजा. टोल प्लाजा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक रोड से दूसरे रोड में, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम लोग टैक्स देते हैं, या फिर टोल पेमेंट करते हैं, राइट? ओके, दैट्स टोल प्लाजा. अभी तो वही यूज हो रहा है. जेब्रा क्रॉसिंग. यू नो वेरी वेल, जेब्रा क्रॉसिंग इज फॉर व्हाट? फॉर क्रॉसिंग द रोड फॉर पेडेस्ट्रियन.
जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए रोड क्रॉस करना होगा तो कहां से करेंगे? जेब्रा क्रॉसिंग से करेंगे। आपको पता होगा, पता है ना जेब्रा क्रॉसिंग रोड पे क्या बना होता है? मतलब ये अगर रोड है, इफ इट इज अ रोड, तो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट करके बना होगा, ऐसे बहुत सारे है ना, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहीं से पैदल जाना है, यहाँ से पैदल नहीं जाना, यहाँ से पैदल नहीं जाना, पैदल यहीं से जाना। अंडरस्टूड नाउ? यूटर्न, यूटर्न मींस, यूटर्न क्या होता है? एक ऐसा जगह जहां से आप यूटर्न ले सकते हो, यूटर्न समझते हो? टर्न कर सकते हो, गाड़ी को टर्न कर सकते हो, जैसे ब्रांच ऑफ, ब्रांच ऑफ, ब्रांच ऑफ मेरा रोड ब्रांचेज ऑफ, जब एक रोड ब्रांच ऑफ करता है ना, इसका मतलब हुआ कि एक रोड से ढेर सारे रोड निकल जाते हैं, ओके? लाइक वन रोड मेक यस, एक रोड यहां से जा रहा था, अचानक से एक रोड यहां से ऐसे चला गया, एक रोड ऐसे चला गया, राइट, एक रोड ऐसे चला गया और एक रोड ऐसे भी चला गया। अंडरस्टूड? सो दिस रोड ब्रांचेज ऑफ हियर। अभी जिला का नाम सपोज कर लो कि जिला का नाम है महाराणा प्रताप चौक, तो लोग बोलेंगे महाराणा प्रताप चौक इज अ ब्रांच ऑफ, राइट, और द रोड ब्रांचेस ऑफ एट महाराणा प्रताप चौक। देयर इज लैंप पोस्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट, यू नो लैंप पोस्ट पता है ना, लैंप पोस्ट स्ट्रीट लाइट्स को कहते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं ना रोड पर, दैट इज कॉल्ड लैंप पोस्ट, उसे लैंप पोस्ट कहा जाता है, जो रोड के दोनों साइड जलते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंप पोस्ट। हाँ, टोकर जिसे कहते हो, ब्रेकर जिसे कहते हो, राइट, तो उसे बम्पी कहते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड बम्पी, ओके। बम्पी इज यूज ऑन द रोड ताकि जहां पे लोगों को स्लो कराना है तो दैट बम्पी विल मेक देम स्लो। फॉर, फॉर भी तुम लोगों को पता ही होगा, यू मस्ट बी नोइंग द फॉर। फॉर एक ऐसा रोड का ऐसा जगह हो गया जहां पे रोड दो भाग में बढ़ जाता है, राइट, जब रोड दो भागों में बढ़ जाए तो उसे क्या बोलोगे? फॉर बोलोगे, मीन्स एक रोड इधर चला गया, एक रोड इधर चला गया, राइट, दैट इज कॉल्ड फॉर। दैट इज ऑल अबाउट ऑल द वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स खत्म हो गए। आस्किंग द वे में अब क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, डू रिमेंबर इन बॉडी, इसको याद करोगे, सारे वर्ड्स को याद करोगे, वर्ड्स की मीनिंग लिखोगे एंड देन यूज इट इन योर कॉन्वर्सेशन, अपने कॉन्वर्सेशन में आप यूज करोगे। एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी द वे टू द म्यूजियम? म्यूजियम, लेट मी सी, यस आई नो, आई विल बी एबल टू डायरेक्ट यू। इज इट वेरी फार फ्रॉम हियर? यस, इट इज वेरी फार, यू कैन गो बाय द कार। ओके, वेट, आई वॉन्ट टू राइट वॉट एवर यू विल डायरेक्ट, बिकॉज वेन आई फॉरवर्ड योर डायरेक्शन आई विल चेक माई नोट। Okay, as you wish. First you go straight ahead along the traffic light. After that you turn left. You turn left at the cross, at the road crossing. After then you walk straight and until you see the checkpoint. Okay, I should go straight ahead the traffic light. Then I turn right and then I keep going until I see the checkpoint. Yes, that's right. Yes, that's right. After then you turn left into the crossroad. Then, but be safe for the bumping. Okay, when I see the checkpoint, I turn left and I will take care from the bumping. Thank you, dear, for telling me about the bumping. So kind of you. Then, it's okay. After that, you turn left, after 4 to 5 minutes, you have to see the two big light posts. Okay, when I turn left, after few minutes going, I'll see two big light posts. But I have a question. Is it any railroad crossing here? No, there is no railroad crossing. Okay. After then you have to turn. Right and see and come to the cattle gate. Okay. When I turn right, till I reach the cattle gate. Yes. Then you have to go straight and after you see the branch off, then you have to turn left and choose the second branch off. After then you turn and see the bypass near the big bazaar.
After but there is no U-turn. After you see, after you you have to go straight and see the crossroad. Okay, when I reach the crossroad, after that, then you turn left and then you turn left and see the signboard. There has been written for the museum. Okay, but in Google Map I found a fork near museum. Yes, you are right, but there has been made a bridge. Okay, when I see the sign of museum, I follow the sign. Great, thank you dear for your help, and I'm sorry for taking you so much time. It's okay. I hope we will meet again. Yes, bye. Bye.